आपको यहाँ पढ़ना है इसमें नी साइन 14.2 पेज नंबर आपका है 269. तो मीन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन इक्वल टू सम ऑफ नंबर वैसे आप क्लास में आज कितने बच्चे पढ़े थे 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 का हम कहें हाइट का मीन फाइंड करो, तो सभी का हाइट को मेजरमेंट करेंगे सेंटीमीटर में और सभी को ऐड करके और नंबर ऑफ अब्जर्वर भेजेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो 10 क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे तो वो क्या आएगा, मीन आएगा, मीन हाइट आएगा। उसी ढंग से मान लो 100 टेस्ट लेते हैं तो आपका 10 स्टूडेंट का जो मार्क्स होगा उसको ऐड करके नंबर ऑफ स्टूडेंट से डिवाइड करेंगे तो क्या निकलेगा, मीन निकलेगा, यानी एज ए एवरेज ही हुआ मीन, क्या हुआ एज ए एवरेज को ही हम मीन कहेंगे। ओके दूसरा आपको इसी में पढ़ना है मीडियम, तो मीडियम में सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन किया हुआ है उसको अरेंज करेंगे इसमें असेंडिंग ऑर्डर में, तो पहले लिख दो अरेंज in ascending order. या descending भी आप लिख सकते लेकिन चलो एक ही याद रखो, ascending या descending किसी में भी करो लेकिन चलो हम एक ही याद रखते हैं ascending order में arrange किए। arrange करने के बाद और इसको count भी करेंगे हाँ तो उसको n कहते हैं। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और मतलब काउंट किए या तो 5 आया या 11 आया या 3 आया आउट में आया आ सकता है, अभी पहले और थोड़ा बता देते हैं। तो यहाँ मीडियन जो होगा मीडियन इज इक्वल टू एम जिसको हम एम भी हाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एम इज इक्वल टू ऐसे लिखो एम इज इक्वल टू और हो तो मीडियन एम प्लस वन बाय प्लस क्या एन अगर और है मान लो एन इज इक्वल टू आया आपका 7 यहाँ का आएगा 7 + 1 = 8 / 2 यानी फोर्थ टर्म को ले लेंगे फोर्थ टर्म को ले लेंगे मीडियम। अब मीडियम क्या अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है तो जो फोर्थ टर्म आएगा वही आपका मीडियम होगा। सेकेंड इफ एन इज इवन एन क्या है इवन तो मीडियम इज इक्वल टू हाफ इसको नोट करो बैठे नहीं रहो कॉपी नहीं लाए हो नोट करो एन बाय टूअर्थ टर्म प्लस एन बाय टू प्लस वन टर्म तो आपका मीडियम इज इक्वल टू हाफ एन बाय टू प्लस एन बाय टू
प्लस अनंत, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका मीन निकालने के लिए है और मीडियम निकालने के लिए। ऐसे आप प्रीवियस क्लास में भी पहले ही पढ़ चुके होंगे। चलिए फिर से अभी आपका रिवीजन भी हो गया, नोट भी कर लिए, जल्दी इसको नोट करो। तो क्वेश्चन में आते हैं, पहला क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड आप देखिए क्वेश्चन में आइए, आप बुक देख रहे हो पेज नंबर 269 का क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग नंबर ऑफ गोल्स देयर आर स्कोर्ड बाय ए टीम इन ए सीरीज ऑफ 10 मैचेज। एक टीम को 10 मैचेज में क्या स्कोर किया है वो टीम गोल करने का, वो दिया हुआ है। पहला गोल है नंबर ऑफ गोल 2, सेकेंड 3, 4, थर्ड में 4 और फोर्थ मैच में 5 गोल किया, सिक्स्थ मैच में 0 गोल है, फिर सिमिलरली उसे बढ़ते गए, लास्ट में थर्ड 3 गोल किया। टोटल काउंट करोगे इस नंबर को, इस गोल को, तो टोटल काउंटिंग में 3, 3, 6, 9 और 10 10 मैच हुआ था, 10 मैच का गोल का दिया हुआ है। फाइंड मीन, मीडियन और मोड, है ना, इसमें मीन भी बता दिए, मीडियन भी बता दिए, और मोड जो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो उस क्वेश्चन से भी वो और क्लियर हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं, जो स्कोर दिया हो नंबर जरा बताओ क्या क्या है। फर्स्ट पहला नंबर क्या है, 2, 3, 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मैचेस का गोल करने का स्कोर दिया। फर्स्ट मैच में वो गोल किया 2, सेकेंड मैच में गोल किया 3, थर्ड मैच में 4 और फोर्थ मैच में 5, फिफ्थ मैच में 0, टेंथ मैच में 3। अब आपको मीन फाइंड करना है, तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इसको अगर सम आप करते हैं तो यानी 2 + 3 + 4 + 5 + 0 = 1, 3, 3, 4 और 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मैचेस 10 है। अब इस सभी को सम कर दो, कितना रहा है सम, 28 है, तो आप फ्रैक्शन में ना छोड़ करके पॉइंट में निकाल दें, ठीक है, 2.8 इसका मीन स्कोर आया गोल करने का, 2.8 आया। मीन क्लियर है, जल्दी इसको नोट कर लो मीन का, कर लो। मीडियम के लिए इसको हम आयरन करेंगे पहले, जैसे कि मोरल में क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है 10, कितने नंबर है 10, 10 मीन्स और यह
पहले मिनट निकालने के लिए सबका हो गया यस सर चलिए अब आप मीडियम के लिए आज पहले में मीडियम फाइंड करना है arrange in ascending order arrange in ascending order सबसे smallest number is 0 0 ले लिए या एक हम underline करते जा रहे हैं ताकि कोई number छोटे नहीं और repeat भी नहीं हुआ इसके बाद 1 times है 2 भी 1 times है 3 4 times 1, 2, 3, 4 अब आइए 4 में 4 कितने टाइम्स है 2 टाइम्स इसके बाद 5 आपका 1 टाइम्स है और कंफर्म होने के लिए इसको काउंट करो कि 10 ऑब्जर्वेशंस दिया हुआ था कोई छूटा तो नहीं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अब आप if n is equal to 10 which is even n क्या है? even तो median is equal to median is equal to half 1 plus या n by 12th term plus n by 2 plus 1 term ये term लिखना जरूरी है term नहीं लिखोगे फिर आप confused करो n क्या हो गया 10 यहाँ 10 put करेंगे यहाँ भी 10 by 2 plus 1 तो अगर जब 10 put करते हो half 10 by 12th term plus n by 2 plus 1 half fifth term plus अभी तो इसको 2 से डिवाइड किए तो 5 और 5 plus 1 6 अभी 6 term 5 plus 6 तो 11th टर्म नहीं करना है ये तो आपसे हम पूछ रहे हैं कि दोनों टर्म को ऐड नहीं कर देना है अगर आप ऐड कर दिए तो आप यहीं पर आप रॉन्ग हो कारण कि आपका जो ही 11th टर्म आया 11th टर्म उस पे है ही नहीं 10th तक ही टर्म है यानी आप इस टर्म 1 2 3 4 5 ये टर्म का वैल्यू 3 6 टर्म 1 2 3 4 5 ये टर्म का भी 3 यही वैल्यू हम पुट करेंगे तो half 3 plus 3 and 6 by 2 and आपका median आ गया median क्या गया 3 अब समझ में आया ये जहां n is equal to odd रहता तो median का फॉर्मूला होता है n plus 1 by 2 term ठीक है ना कि अगर n आपका इवन ना हो करके ऑड रहता तो फिर मीडियन का फॉर्मूला हम ये नहीं लिखते क्या लिखते n plus 1 by 2 आता है हां देखो मीन मीडियन वो तीनों हुआ मिडिल टर्म मीन एक्चुअली मीन मीडियन वो जो होता है करेक्ट वैल्यू अगर मीन का निकाला जाए यही होता है मीडियन तीनों आपका मीन का है सेंटर पे मीडियन मिड सेंटर सेंटर वैल्यू मीन के बजाय तो निकाल सकते हैं मीडियन से भी और मोड से भी तीनों को बताया आपको क्या है कि तीनों में क्या डिफरेंस आता है तो देखो थोड़ा थोड़ा का अंतर है जैसे इसमें मीन निकाले थे इसी क्वेश्चन में आया 2.8 अगर उसको राउंड करोगे 2.8 कुछ क्या होगा 3 आपका मीडियम भी एक एक आया 3 तो देखो उसको भी देखो मोड में बताए नहीं जा रहे हैं
इसको नोट कर रही है सर? यस सर। अब आप हैं बोर्ड में, हाँ हेलो हेलो हेलो, हम चेक कर रहे थे, ग्रीन हो रहा है ना, तो उसमें आवाज बच्चे सब सुन रहे हैं, ठीक ओके। हम जहाँ म्यूट किए हुए हैं, अब देखिए बोर्ड के लिए दो टर्न बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे एक्स आई और एक बनाएंगे एफ आई। एक्स आई क्या है? तो जो ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें भी आप एक लाइन में एक्स्ट्रा निकालिए, पहले आपको अरेंज करना होगा यहाँ की सिंगल ऑर्डर, तो फिर पहले अरेंज करेंगे अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, नहीं सब में दोनों भी असेंडिंग या डिसेंडिंग में सब। पहला नंबर क्या किया था? जीरो पे वन पे टू थ्री फोर टू टाइम और फाइव वन टाइम, तो नंबर आ गया ना 3 3 6 3 9 1 10। अब आप इसका दो कॉलम बनाइए एक्स आई और एफ आई। एक्स आई क्या हुआ? नंबर ऑफ गोल, तो गोल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक मैच में जीरो गोल हुआ, एक मैच में वन गोल हुआ, एक मैच में टू गोल हुआ, थ्री गोल कितने मैच में हुआ? फोर मैच में। तो यही फ्रीक्वेंसी का है, फ्रीक्वेंसी का सम करोगे कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। फ्रीक्वेंसी का सम आपका, फ्रीक्वेंसी का सम आपका 10 होना चाहिए। दोनों कॉलम बना दिए एक्स आई जीरो वन टू थ्री, अब यहाँ पर थ्री तीन बार नहीं लिखा गया, आपका जो नंबर ऑफ गोल एक्स आई है डिफरेंट नंबर कितने टाइप का वो लिखना, तो जीरो वन टू थ्री फोर और फाइव यही नंबर लिखेंगे एक्स आई। अब ये आपको देखना है कि जीरो कितने टाइम्स आया? वन टाइम्स आया। वन कितने टाइम्स आया? यही फ्रीक्वेंसी का आया। आपका टू कितने टाइम्स आया है? वन टाइम्स आया। थ्री कितने टाइम्स आया है? फोर टाइम्स आया। थ्री फोर कितने टाइम्स आया? टू टाइम्स और फाइव और वन टाइम। इसको ऐड करोगे टोटल फ्रीक्वेंसी टाइम होना चाहिए 10 आया है, क्योंकि आपका नंबर ऑफ मैचेस 10 था। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है? सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन है? फोर है। तो इसी कॉलम को हम ऐसे राउंड कर देंगे, कॉलम में इसको डाल देंगे, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो कि फोर है, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 है, आंसर 4 नहीं होगा, 4 का जो एक्स आई है वही आपका आंसर, अगर 3 है मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सो व्हाट इज 3, या 3 ऑकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी सो व्हाट इज 3।
दो मोर इक्वल टू, अब क्या देखते हैं आप, मीन भी निकाले इस क्वेश्चन में, मीडियन भी निकाले और मोड भी निकाले, तो मीन आया 2.8 अप्रॉक्स 3, मीडियन 3 आया और मोड भी आपका 3 आया, तो तीनों का एवरेज तो सीधी आ रहा है, थोड़ा सा के अंतर आ सकता है, नोट कर लो। सर इसको नोट कर लिए, चलिए पहले यहाँ देखिए बोर्ड पर, तो क्या नाम है, सीताराम तो ये क्वेश्चन नंबर 2 In a mathematics test given of 15 students, the following marks out of 100 are recorded. Out of 100 मिलाया है, पहला स्टूडेंट 41 marks, 39 marks, 48 marks, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52 or 60. Find mean, median and mode of this data. जो डेटा यहाँ आपके पास दिया हुआ है इससे फाइंड करना है, फाइंड फर्स्ट में मीन, सेकेंड मीडियन और थर्ड में अब देखिए अभी इससे जो पहले क्वेश्चन बनाए वहां सर 1 डिजिट का था क्वेश्चन, यहाँ आपको सर 2 डबल डिजिट कर दिया, 2 डिजिट का नंबर दे दिया, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा कर दिया, तो हमको पहले मीन फाइंड करना है, तो मीन का फॉर्मूला अभी जस्ट आप पढ़ें, क्या पढ़ें, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन शॉर्ट में लिख दिया हमने रीजन को, अब ये सभी नंबर को सम करके जल्दी बताओ, जल्दी बोलो करेक्ट, वो मीन तो बन जाएगा ना, हाँ लास्ट बोला तो आएगा, ठीक है आया
इसका ठीक नहीं 22 होता है। आपका इसको सभी को सम करोगे तो 822 बाय 50 सम कर देंगे 41 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 52 प्लस 46 सभी को आप सम करोगे। एक स्टूडेंट 10 ज्यादा काउंट कर लिया, मैंने 1 ज्यादा काउंट किया, 10 हो गया। तो इसलिए जैसा ध्यान से करोगे काउंट इसका करेक्ट है। अब इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म डिवाइड करेंगे, है ना, पॉइंट में निकालना रहता है ना, तो डिवाइड करोगे तो आएगा आपका, बताओ डिवाइड कितने का है, 6 8 2 डिवाइड बाय 3 आपका मीन निकल गया। अब आप इसी ढंग से मीडियन में निकाल सकते हो, मोड भी निकाल सकते हो, है ना, तो इसको आप बनाओगे एक्सरसाइज। ओके थैंक यू।